वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब्स रिलेटेड कमांड्स के बारे में, जिसमें हम प्रूफिंग, लैंग्वेज और कमेंट्स ऑप्शंस को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रूफिंग के अंदर। प्रूफिंग में हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमारी एरर्स को ठीक करने के लिए होते हैं। लाइक हम कुछ स्पेलिंग अगर मिस्टेक कर देते हैं और वो एज़ पर डिक्शनरी नहीं होती, तो यहाँ पर स्पेलिंग की हेल्प से हमें कुछ सजेशन मिल जाएंगे और हम उनको ठीक कर पाएंगे। सपोज़ यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स नेम कुछ गलत तरीके से टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप करने के बाद मुझे उसकी स्पेलिंग ठीक करनी है, तो जैसे ही स्पेलिंग पे क्लिक करके या F7 प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा तो हमें ऊपर की तरफ तो मेंशन हो रहा है कि हमारा ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, जिसमें ES लास्ट में लगाया हुआ है, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। सजेशन के अंदर से मुझे लास्ट वाला एपोस्ट्रोफी के साइन साथ जो मेंशन करा गया है स्टूडेंट्स, वो लेना है और यहाँ से हम उसे चेंज पर क्लिक करके अब बदल सकते हैं। तो हमारी जो स्पेलिंग चेक है वो कंप्लीट हो चुकी है। या कोई ऐसा वर्ड जिससे रिलेटेड मुझे और अलग वर्ड्स चेक करने हैं, सपोज़ सैलरी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे हम थिजोरस पर। थिजोरस पे क्लिक करते हुए हम इसी से रिलेटेड मिलते जुलते वर्ड्स को यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसे सैलरी से रिलेटेड आप देख पाएंगे पे, इनकम, वेज, मनी, ये सब ऑप्शंस को हम इसकी जगह भी प्लेस करा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं और लास्ट जो हमने सर्च करा था उसे ढूंढना चाहते हैं, तो रिसर्च से हम वापस से क्लिक करते हुए वो फाइनल जो हमने लास्ट सर्च करा था उसको यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करते हुए वापस से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस थे जिनको हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। ऊपर की तरफ से हमें थिजोरस लेना होगा और उसी से रिलेटेड वर्ड्स फिर हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं और ट्रांसलेट, जैसे किस वर्ड को हमें किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो हम कैसे चेक करेंगे। सपोज़ यहाँ पर हम एक वर्ड टाइप कर लेते हैं ब्रेव, और ब्रेव का मतलब बहादुर, यानी कि इससे रिलेटेड हमें जो वर्ड्स चाहिए वो दूसरी कंट्री में चाहिए हमें फ्रेंच के अंदर। तो नीचे की तरफ आप देख पाएंगे करेजियक्स ये यहाँ पर शो कर रहा है। आप इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ प्लेस करा सकते हैं कंट्रोल V से। ये जो वर्ड है ये हमारा फ्रेंच वर्ड है। अगर हम यहाँ से और भी डिक्शनरी देखते हैं, सपोज़ फ्रेंच के बाद हम यहाँ से स्पेनिश यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो हम सारी लैंग्वेज को यहाँ से चेक कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो फिर हम यहाँ से फ्रेंच और स्पेनिश को ही यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सपोज़ रशियन, तो रशियन भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ये ऑप्शन आप देख पाएंगे रशियन, हिंदी, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ होंगे अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है। रिसर्च को हम वापस से यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अभी तक हम सीख चुके हैं स्पेलिंग, रिसर्च, थिजोरस और ट्रांसलेट के बारे में। अगर हमें किसी सेल पर कोई कमेंट डालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी हमें पे करनी है और हमने यहाँ पर डाल दिया है उसकी सैलरी का अमाउंट, तो यहाँ से हमें याद रहेगा एक नोट हम डाल सकते हैं और उस नोट से हम उसको चेक कर पाएंगे। अगर हम इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट कमेंट ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्लिक करते ही हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर हम कमेंट डालते हैं तो यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे। डॉट डॉट आप रेड पॉइंट देख सकते हैं, दो यहाँ पर रेड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब हमने दो कमेंट्स यहाँ पर डाले हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। ये कमांड्स अवेलेबल हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा कमेंट डाला हुआ है तो आप आगे पीछे उस पर जंप कर पाएंगे। शो ऑल या शो हाइड, दोनों ऑप्शंस आप एक साथ देख सकते हैं कमेंट के, जो भी आपने ऐड कराए हैं, या एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी डाले हैं आपने कमेंट्स वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अब पर्टिकुलर अगर आप किसी सेल पर गए हैं और आप उसे ऑन रखना चाहते हैं उसके कमेंट्स को, तो शो हाइड कमेंट से उसको परमानेंट ऑन रख सकते हैं, या वापस से क्लिक करके शो हाइड कमेंट्स को अनहाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपने देखे कमेंट्स के। बेसिकली ये हम सेल पर कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक नोट डालने के हम काम लेते हैं, किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है या उसका कुछ पेंडिंग बाकी है, या किसी एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब चीज़ें हम एज अ कमेंट में पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है शो इंक का,
शो इंक से मतलब है कि मैनुअली हमने कुछ पेंसिल से यहाँ पर ड्रॉ करा है और उसको हम यहाँ से हाइड करना चाहते हैं। तो इस कमांड्स के लिए हमें पेन टूल को पहले ऑप्शंस को यस करना होगा, तभी हम इसको ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पे क्लिक करते हुए जाना है ऑप्शन पर और यहाँ से कस्टमाइज रिबन पे जाते हुए आपको ले लेना है यहाँ से टूल टैब्स। टूल टैब्स के अंदर नीचे की तरफ पेन इंक टूल आपको दिखाई देगा और ये आप किस जगह ऐड कराना चाहते हैं वो आप कर्जर वहाँ पर रखते हुए इंसर्ट के बाद ओके प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जब आप इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शंस अभी हमने शायद ऐड नहीं कराए, एक बार फिर से हम ऑप्शंस पर जाते हैं कस्टमाइज रिबन पर, टूल टैब्स पर, इंक ऑप्शन पर, यहाँ पर पेन टूल हमें दिख रहा है, इंसर्ट के अंदर हमें कर देना है यहाँ पर क्लिक करते हुए ऐड। अब आप देखेंगे इंसर्ट टैब के नेक्स्ट टैब में यानी कि पेज लेआउट टैब से पहले ये एक हमारा ग्रुप बन चुका है, ओके प्रेस करते ही यहाँ पर पेन ऑप्शंस आ चुका है। सपोज़ हम यहाँ से कोई लाइन चूज़ कर लेते हैं और मैनुअली यहाँ पर ड्रॉ कराते हैं और ये हमने यहाँ से यूज़ करा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से हम इसको क्लिक करते हुए इसका कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन्स हैं हम चाहते हैं हमारी शीट से हाइड हो जाएं, तो वही ऑप्शंस यहाँ पर है शो इंक। तो शो इंक से जो मैनुअली हमने लाइन ड्रॉ करी हैं उसको हम यहाँ से हाइड एंड शो करा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस प्रूफिंग लैंग्वेज एंड कमेंट्स के बारे में जो कि रिव्यू टैब से रिलेटेड थे। आगे की क्लासेस में हम चेंजेस के अंदर से हर एक ऑप्शंस को अच्छे से देखने वाले हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड और शेयर वर्कबुक से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।